शेयर बाजार में आपका स्वागत है और संजीव शर्मा हमारे एक्सपर्ट आज वक्त से पहले स्टूडियो आ चुके हैं और मैं आपका होस्ट दीपक शर्मा संजीव शर्मा के बाद आया हूं आज और कैमरामैन भी बात आए तो आज 10 में 10 नंबर संजीव शर्मा को पंडित जी को उनकी पंक्चुअलिटी का बात हम लोग कर रहे थे कल को मैं फिर से रिकैप करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि कहीं भी जरा सा भी आपको धोखा ना हो, इसलिए शेयर चुनते वक्त, स्क्रिप्ट चुनते वक्त आपका जो निशाना एकदम सही जगह लगे, धोखा ना हो, नुकसान ना हो, मुनाफा हो। तो एक लिस्ट आप देख लीजिए फिर से, 1, 2, 3 25 कंपनियां हैं और इन 25 कंपनियों को सहेज के रखिए। इन 25 कंपनियों के जब भी आपको शेयर थोड़े से भी सस्ते मिलें तो बास की तरह लपक लीजिएगा, झपट लीजिएगा इनको। तो एक बार फिर से आप पहले देख लीजिए, मैं चाहूँगा कि आप इन शेयर्स की स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो 25 शेयर हैं, हिंदुस्तान की 25 सबसे शानदार कंपनियाँ जो आगे 25 साल तक, आने वाले 25 साल तक आपको सिल्वर जुबली हिट देने जा रही हैं। तो अब हम चलते हैं आज अपने प्रोग्राम की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इनको कहीं ना कहीं संभाल के आप अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे रखेंगे और जब भी आप किसी भी बिज़नेस अखबार में, किसी भी वेबसाइट पर आप कोई भी शेयर का भाव देखेंगे तो ये जहन में रहने चाहिए आपके पास। दो दिन पहले पंडित जी से जब बात हो रही थी संजीव भाई से, तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो मौका आ गया है, सहालक आ गई है। 7-8 महीनों से जो लोग, खासकर नए निवेशक, मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे थे कि कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाएं, खरीद लें, अंडर वैल्यूड शेयर मिल जाएं, तो जब दो दिन पहले जब शेयर बाज़ार में खलबली मची यूनाइटेड किंगडम लंदन में जो एक नया स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का, उसको लेकर तो बड़ी उम्मीदें बन गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे नहीं गया। मैंने आपसे कहा था कि ऊँट पूरी तरह से पहाड़ के नीचे नहीं उतरा, अगर आप याद कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए उस वीडियो को, ऊँट पूरी तरह से पहाड़ के नीचे नहीं उतरा है, ये वापस चढ़ सकता है, ये हमने आपको उस प्रोग्राम में कहा था और वैसे ही हुआ, ऊँट फिर से चढ़ गया। आज अगर हम सेंसेक्स देखें तो 46,444, फिर वही 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ, 437 अंक आज आगे फिर बढ़ गया है। संजीव भाई, बड़ी उम्मीदें लगाई थी और आप मुस्कुरा के बोल रहे थे उस दिन, आप कह रहे थे कि नहीं दीपक भाई, देखिए शायद नीचे चला जाए, लेकिन तो सब गड़बड़ हो गया, फिर वो वापस पहुंच गया है। तो बुल की आपने पिटाई तो उस दिन कराई, लेकिन फिर बेयर पिट गया है। लेकिन देखिए, उस एक दिन में बड़ा रिकॉर्ड दिन था वो, कि वो एक दिन का जो लॉस था, पिछले 10 दिन के जो गेन थे उसने साफ कर दिए थे, तो लोग 10 दिन पीछे, 6.5 लाख करोड़ का घाटा हो गया। हाँ, वो एक उस लोहार की पड़ी थी उस दिन जी। अब उसके बाद में देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज रहते हैं कि क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। इसका एक मेन कारण ये है कि जो US मार्केट है ना, वो नहीं गिरा है, यूरोप गिरा है, लेकिन US मार्केट उतना नहीं गिरा है जी। और इस साल मेन कारण ये बन रहा है मार्केट के बढ़ने का जी, $22 बिलियन आ चुका है इंडिया में। $22 बिलियन, मतलब आप करोड़ों में इसको लगाएंगे तो मैं कहूँगा कि जो हिंदुस्तान है इस वक्त सोने की चिड़िया जिसे कहते थे, तो कम से कम बाकी देश की इकॉनमी का, अर्थ का जो भी हाल हो, जो भी तंत्र हो अर्थ का, लेकिन जहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज की बात है, चाहे वो NSE हो चाहे BSE हो, जो स्टॉक बाज़ार है वो सोने की चिड़िया इस वक्त है और रोज़ाना हज़ारों करोड़ रुपए विदेश से इसमें निवेश हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं, यानी दुनिया भर की निगाह जापान की तरफ नहीं है, हांगकांग के मार्केट की तरफ नहीं है, यूरोप के मार्केट की तरफ नहीं है, नेस्टेक को लोग भूल रहे हैं, उनकी जो निगाह है, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आकर टिक गई हैं मुंबई में और माया नगरी पे जी। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बयान दिया था 2-3 दिन पहले, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था कि वो एक ऐसा बजट देना चाहती हैं जी जो कि एक सदी में नहीं देखा गया। जी हाँ जी हाँ जी, मतलब 100 साल में जैसा एक बजट आता है, 1 in a century जी, अब ऐसा बजट देना चाहती हैं इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन करके, तो उसके मायने अगर आप हाँ पकड़ के चलें और 2 and 2 कर दें। ज़्यादा दिन अभी बचे नहीं हैं और मैं आपको पार्लियामेंट से ज़रूर जो है खबर ब्रेक करूँगा, पार्लियामेंट में 15-20 साल से कवर कर रहा हूँ, तो ज़रूर संसद से आपको जो बजट है कवर करके दूंगा और उस दिन हम कोशिश करेंगे कि जो
शेयर बाज़ार है वो संसद से ही आप देखें। जैसा कि कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण देश की जो वित्त मंत्री हैं उनका ये कहना है कि इस बार जो बजट आने जा रहा है, महीना भर ही रह गया है, वो बजट अब तक की मतलब सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ बजट होगा। तो ये एक और उम्मीद बनती है बुल्स की। और एक बार फिर से हम लौटते हैं क्योंकि बहुत से निवेशक सोच रहे होंगे कि प्रवचन बंद करिए, किससे बंद करिए और मुद्दे पे आइए। तो मुद्दा यही है कौन से शेयर खरीदने हैं आपको, इसी का आपको इंतज़ार रहता है। तो आज हम बात शुरू करेंगे रुपहले पर्दे से, सिल्वर स्क्रीन से, और बात अमिताभ बच्चन की होगी, ना दिलीप कुमार की होगी, ना रणबीर कपूर की होगी, ना ऋतिक रोशन की होगी। बात होगी जो रुपहले पर्दा जो चलाते हैं लोग, जो ऑपरेट करते हैं, जो सिल्वर स्क्रीन ऑपरेट करते हैं, जिनकी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, वो कौन दो लोग हैं। एक तो है आइनॉक्स, और आइनॉक्स के अलावा दूसरी जो कंपनी है वो पीवीआर है। एक तरफ अजय बिजली हैं और दूसरी तरफ अंबुजा जो कलकत्ता की कंपनी है वो है। तो एक दिल्ली की कंपनी है, कलकत्ता की कंपनी, आइनॉक्स और पीवीआर, इन दोनों के शेयर्स पर हम आज बहस करेंगे, जिरह करेंगे, बताएंगे क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, बटुए से माल निकालना चाहिए या बटुआ बंद रखना चाहिए। तो सबसे पहले आइनॉक्स लेजर की तरफ चलते हैं। तो आइनॉक्स जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर में से एक है, और तकरीबन 150 के आसपास इनके मल्टीप्लेक्स हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर बोलूँ तो करीबन 147 के आसपास। और पहले इसका भाव देख लेते हैं आइनॉक्स का, और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जुलाई में 229 रुपये का इसका शेयर था आइनॉक्स का, और नवंबर 23 को 259 रुपये हो गया, और दिसंबर 23 यानी आज जब ये बंद हुआ है तो 4.32% ये शेयर कल के दाम से आज ऊपर था। जब ये क्लोज़ हुआ है 280 रुपये, यानी शेयर लगातार भले ही कच्छप गति हो, और कच्छप गति अच्छी गति मानी जाती है, जो कछुए की जो स्पीड है अगर वो स्पीड है, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट है, तो इससे उमदा कोई शेयर नहीं है, इससे उमदा कोई स्पीड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत स्टेडली ग्रो कर रहा है। जुलाई में 229, नवंबर में 260 के आसपास, अब 280, और जो मंजिल है उसने 2019 में तय कर ली थी जब इसका परचम फहरा था 530 पर। तो इस शेयर की जो हैसियत है वो 550 के आसपास है, और आज आपको ये मिल रहा है 280, और अगर नीचे मिल जाए तो लपक लीजिएगा इसको। संजीव भाई जी, इस पे टारगेट जेएम फाइनेंशियल दे रहे हैं 450 रुपये का, 450 का टारगेट है, और ये जो अभी करंट लेवल है उस पे से कुछ 68% का अपसाइड है। क्या बात है, क्या बात है। और पीवीआर जो है उस पे जेएम फाइनेंशियल टारगेट दे रहे हैं 18। मैं समझता हूँ पीवीआर पे आता हूँ, लेकिन ये बड़ा गजब की इन्होंने बात बोल दी कि 280 का भाव है, हो सकता है कि दो चार दिन में आपको 250 रुपये मिल जाए, लेकिन जो टारगेट दे रहे हैं 450, यानी अगर 250 है 260 पे मिल रहा है तो ये चीज़ बढ़ रही है 450 की तरफ, यानी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म दे ना दे, उसमें भाव जो है इसका बॉक्स ऑफिस हिट है, सुपर डुपर शेयर है ये। अब पीवीआर की बात हो जाए, दिल्ली में रहने वाले हों, मुंबई में रहने वाले हों, हिंदुस्तान में किसने आखिर पीवीआर में जाके अजय बिजली के मल्टीप्लेक्स पर जो है वो पिक्चर नहीं देखी हो, सबने देखी होगी कभी ना कभी। तो पीवीआर की हम बात कर रहे हैं, अजय बिजली, और एक बिजली पहलवान हुआ करते थे दिल्ली में, बड़े नामी गिरामी पहलवान थे, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था, और फिर उनके जो बेटे थे अजय बिजली, बहुत ही पढ़े लिखे और एक नई जनरेशन के साथ, तो अजय बिजली का एक कॉन्सेप्ट था पीवीआर, और हिट हुआ हिंदुस्तान में, इन्होंने मल्टीप्लेक्स दिए। तो बात कर लेते हैं अजय बिजली के पीवीआर की, 800 स्क्रीन इनके पास हैं। अगर बात करें आइनॉक्स की, तो आइनॉक्स के पास अगर 600 के आसपास स्क्रीन है, तो इनके पास 200 स्क्रीन्स ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में। और आप पहले स्क्रीन पर शेयर देखिए, फिर संजीव भाई के पास चलते हैं। 20 फरवरी को अगर हम देखें साल की शुरुआत में, तो ये शेयर खड़ा था 2000 से ऊपर, 2000 से ऊपर साहब खड़ा हुआ था, 2033 पर। दिसंबर में अगर हम आज पिछले 15 दिन की बात करें तो 1488 था, पूरे लॉकडाउन को झेलते हुए भी इसने कम से कम दामन नहीं छोड़ा अपने इन्वेस्टर्स का,
और उम्मीदें उनकी कायम रखी, 1488 था, लेकिन थोड़ा इधर और झटका लगा है इसको जब से महाराष्ट्र में जो वहाँ पर सरकार, उसने कहा कि भाई नाइट कर्फ्यू लगेगा, ये सब लगेगा, तो ये 1311 पर है। लेकिन फिर भी आज जब ये शेयर बंद हुआ है, भाव बंद हुआ है इसका बाजार पर, तो 4.43% ये शेयर का भाव ऊपर था। PVR, संजीव भाई दो टूक पूछना चाह रहा हूँ कि PVR खरीदें ना खरीदें, कितना कामयाब ये आपको शेयर लग रहा है? देखिए JM फाइनेंशियल का इस पर कॉल है 1840। आज बहुत बड़ा बड़ा क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं तो कहीं आज मुझे लग रहा है पिक्चरों की बात चल रही तो आप सलीम जावेद कादर खान होंगे, डायलॉग मार रहे हैं। 1840 का टारगेट कितना? 1840 देख लीजिएगा, बही खाते गलत ना हो। नहीं नहीं 1640 ना लिखा होगा। नहीं नहीं 1840 है और अपसाइड है ये 46% का। देखिए ये जो मल्टीप्लेक्स के स्टॉक्स हैं ये सबसे बीटन डाउन है, लोग बाहर जा नहीं रहे और उतना वो हो नहीं रहा, तो इसमें जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि वैक्सीन आ जाएगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक तो वो तो मतलब पॉजिटिव सिनेरियो है। जी जी मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये बात हो रही है कि जो इनके करंट दाम हैं वो तो अभी जितना ये चल रहे हैं, जितने इनके एसेट्स हैं, ये उसको भी कैप्चर नहीं कर रहे, मतलब ये इतना अभी इनका वैल्यूएशन चल रहा है, और जब सिचुएशन इम्प्रूव होगी तब तो इनके लिए बहुत बेटर है ही है। तो टारगेट किसका है ये? JM फाइनेंशियल वो बहुत बड़ा बॉम्बे का ब्रोकिंग हाउस है। तो PVR की बात हो रही थी और PVR में 1300 का भाव चल रहा है, अगर ये शेयर आपको 1100 पे मिल जाए, 1200 पे मिल जाए, तो अगर पंडित जी की माने और पंडित जी जिसका टारगेट लेके आए हैं उसकी माने, उस कंपनी की माने, तो अगर 1100 रुपये का शेयर आपको मिल जाता है 1200 का, तो भैया बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ लेना एकदम, जैसे ठाकुर ने गब्बर की गर्दन पकड़ ली थी, इस तरह से शेयर को पकड़ लीजिए PVR को, क्योंकि ये जाने वाला है 1840 पर। 1840 इसका जो है रॉकेट लग गया है अगर आप देखें फ्यूचर में। और वैसे भी अगर वैक्सीन जब लगनी शुरू हो जाएगी, पब्लिक जब पहुंचने लगेगी, सिनेमा हॉल के दरवाजे खुल जाएंगे, तब ये वाकई 2000 छुएगा, ऐसा जानकारों का कहना है। तो रुपहले पर्दे की बात ख़त्म करें, गब्बर ठाकुर से आगे निकलें, बात करते हैं टेक की, उस टेक की जिसने हिंदुस्तान की इकॉनमी को, हिंदुस्तान के परचम को, हिंदुस्तान की आबरू को, हिंदुस्तान के विज्ञान को पूरी तरह स्थापित किया है दुनिया में। और अगर दुनिया अपना भविष्य खोज रही है एलन मस्क के साथ या सुंदर पिचाई के साथ या मार्क जकरबर्ग के साथ, तो सबसे बड़ा उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो भारतीय टेक वैज्ञानिकों का है जो अमेरिका से लेकर यूरोप तक के मार्केट को चला रहे हैं। हमने बात करी थी इन्फोसिस की, बड़ी कामयाब कंपनी है। एक दिन हमने आपको TCS के बारे में बताया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो 60 के दशक में JRD टाटा की ड्रीम हुआ करती थी, और हर चीज़ में JRD टाटा आगे रहते थे, हवाई जहाज़ था तो पहले लेके आए, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हुई तो पहले लेके आ गए, हर चीज़ पहले लेके आए, और जब सॉफ्टवेयर और IT की बात हुई तो वो भी सबसे पहले लेके आए, तो वो उनकी सोच थी JRD टाटा की, और उस सोच से TCS खड़ी हुई, और TCS के बाद विप्रो, इन्फोसिस, HCL, इस तरह की जो कंपनियां आईं और भारत को उन्होंने IT का एक सुपर पावर बनाया। तो हमने कई कंपनियों की बात करी थी, लेकिन एक शेयर जो है बीच बीच में छूट रहा था वो था विप्रो। आज़िम प्रेम जी का नाम याद आ जाता है विप्रो आते ही। पहले हम भाव देख लेते हैं और फिर हम पंडित जी को इस पर उसका उनका प्रवचन हम सुनेंगे, क्या वो प्रवचन देते हैं आज। 24 मार्च को लॉकडाउन की वजह से विप्रो जो 82 पे लुढ़क गया था, ठहर गया था 182 पे। 13 अक्टूबर को फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो 375 पे पहुंचा। आज जब बाज़ार बंद हुआ तो इसका भाव था 385.55 यानी 385.55 रुपीज़। और कुल मिलाकर शेयर बहुत अच्छा है, विप्रो के बारे में क्या कहें, क्या तारीफ़ करें, है ना, एक बहुत गजब का शेयर है। बाकी पंडित जी बताएंगे जी। इन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन किया है कल बड़ा एक्विजिशन। हाँ, ये इन्होंने मेट्रो, जो एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, जो ये हमारे यहाँ भी मेट्रो होलसेल के नाम से है, तो मेट्रो AG जो है, जो उनकी IT यूनिट्स हैं वो विप्रो ने एक्वायर की हैं जर्मनी और रोमानिया में। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो
5 साल में इनको $700 मिलियन का रेवेन्यू देगा, और अगर वो 5 साल से आगे 4 साल और बढ़ गया तो वो उनको कम से कम $1 बिलियन का रेवेन्यू एडिशन देगा विप्रो, $1 बिलियन। हाँ। और ये इसमें ब्रेक थ्रू इसलिए है क्योंकि ये कोशिश कर रही थी विप्रो कि लार्ज डील साइन करें, बाकी कंपनीज का स्ट्राइक रेट बेटर रहा है तो विप्रो कोशिश कर रही थी स्पेशली यूरोपियन मार्केट में जी कि ये बड़ी डील्स जो हैं उसको क्रैक करें जी। और इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इन्होंने अब नया CEO बनाए हैं जी वो इंडियन नहीं है, वो फ्रेंच हैं जी, थियरी डेलापोर्ट। तो ये माना जा रहा है कि उनकी यूरोपियन स्ट्रैटेजी का एक ब्रेक थ्रू है जो जो नए CEO आए थे उन्होंने दिया है, पहला ब्रेक थ्रू जी। तो ये एक अकम्पलिशमेंट माना जा रहा है। मैक्वारी रिसर्च टारगेट दे रहे हैं विप्रो को $416 416। अच्छा टारगेट है 416 का। तो विप्रो की हम बात कर रहे थे और जैसा कि संजीव भाई ने कहा है कि विप्रो को $1 बिलियन ये एक बिजनेस मिलने जा रहा है यूरोप से, और वैसे भी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग लीडरशिप रही है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, किसी भी तरह का परिचय का मोहताज नहीं है शेयर। तो विप्रो आँख बंद कर लीजिए और मौका मिले, सही प्राइस मिले तो इस शेयर को ले लीजिए। इस शेयर के बारे में क्या कहना है, कुछ कहना ही नहीं है मुझको बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे शेयर हैं जिनकी सिफारिश न की जाती है न रिकमेंड किया जाता है, मौका मिले झपट लीजिए इसको। तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद 3 और शानदार शेयरों पर बात होगी जो आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मी के लिए आपके द्वार को खोलेंगे। तो उन 3 शेयरों पर हम बात करेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं, कैमरामैन कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद तुरंत हम आते हैं। शेयर बाजार में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट दीपक शर्मा। संजीव भाई आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, एक से एक अच्छे शेयर। कभी रुपहले पर्दे की बात करते हैं, कभी टेक की बात करते हैं, और टेक से हम सीधे फार्मा की तरफ जा रहे हैं। एक फार्मा कंपनी जिस पर हम डाइसेक्ट नहीं कर पाए, जिसको जिसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाए, आज हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कल कि भाई कुछ फार्मा के शेयर भी बताइए क्योंकि फार्मा बहुत चर्चा में है। तो हमारी जो रिसर्च डेस्क है जिसकी अगुवाई संजीव भाई करते हैं, हमारे फिनांस एडिटर हैं, उससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार में पूरा कॉरपोरेट जगत देखते थे, ये एक शेयर लेके आज आए हैं ग्लेन मार्क फार्मा। और ग्लेन मार्क एक बहुत ही पुरानी जानी मानी कंपनी है और हमेशा से इसका नाम शुमार रहा है अच्छी कंपनियों में, अग्रणी कंपनियों में, दवाई की मुंबई की बेसिकली कंपनी है। एक बार हम इसका आपको ग्राफिक्स में शेयर दिखा देते हैं, भाव दिखाते हैं, तो बात करना भी अच्छा लगेगा, चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी, मतलब की बात पहले होनी चाहिए। तो आप देखिए ग्राफिक्स में देखिए, 12 जून 2020 में ₹403 था, फिर 7 दिसंबर को ये बढ़ के 532 हुआ, लेकिन आज जब ये बंद हुआ तो 532 की जो उठान थी जो वो धीरे धीरे थोड़ा सा ढली 495 पे है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है। लेकिन इस शेयर की जो हैसियत है ये 400-500 वाला शेयर नहीं रहा है। अगर हम पीछे जाते हैं तो ये शेयर ₹900, ₹800 इस तरह के भाव पे रहा है। मसलन फरवरी 2017 में ये शेयर ₹947 का था। तो कुल मिलाकर ये शेयर अपनी हैसियत से थोड़ा नीचे उतरा हुआ है आजकल, और फार्मा में जबकि इसने झंडे गाड़े हैं तो ऐसा आप कह सकते हैं कि सौदा बुरा नहीं है, सौदा बुरा नहीं है जी। ग्लेनमार्क फार्मा का टारगेट जियोजिट फाइनेंशियल दे रहे हैं ₹548 जी उसका टारगेट दे रहे हैं, और इसका कारण ये है कि इनके नए प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, यूरोप में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, और टारगेट क्या दे रहे हैं आप उसको? 548 का टारगेट है, और ये यूरोप में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस आया है। इनफैक्ट ग्लेनमार्क एक ऐसा शेयर है जो बाकी फार्मा के साथ उतना राइज अभी तक नहीं किया है, बाकी फार्मा का वैल्यूएशन जो है ये आउट परफॉर्मर अभी नहीं रहा है जी जी, जी। ग्लेनमार्क को इसका 548 का टारगेट दे रहे हैं जियोजेट फाइनेंस जी। तो 495 का भाव है, और अगर ये 495 या 490 में या 480 में 485 में अगर इसके इर्द गिर्द आजू बाजू में अगर इसका भाव आपको मिल जाए तो इसको ख़रीदना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये
550 तक इसका सूरज चढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो एक अच्छा फिगर है, एक अच्छा टारगेट है। और ग्लेनमार्क, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक अच्छी कंपनी रही है, अच्छा मैनेजमेंट है, कंपनी के बही खाते बहुत अच्छे हैं, और मुनाफा का जहाँ तक बात है, डिविडेंड की बात है, तो कंपनी जो है वो कहीं भी आपको मायूस नहीं करने वाली है। अब बात करते हैं इंद्रप्रस्थ गैस की। दिल्ली में जो लोग रहते हैं या मेट्रोज में जो लोग रहते हैं, सीधे पाइपलाइन से पानी भी आता है और आजकल पाइपलाइन से गैस भी आती है। तो जो गैस आती है वो उसके पीछे इंद्रप्रस्थ गैस है, और जिनकी गाड़ियाँ सीएनजी से चलती हैं वो भी इंद्रप्रस्थ गैस नहीं भूल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज़माना ही गैस का है, और अगर इंद्रप्रस्थ गैस को देखें तो बहुत अच्छा शेयर। मैं भाव पढ़ देता हूँ आपके लिए, सितंबर 10 को यानी 3 महीने पहले 388 रुपये पर था, और ये धीरे धीरे तमाम आघात झेलता हुआ कोविड में ख़राब इकॉनमी का, इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और ये लगातार बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। मतलब इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड मूवमेंट है, जैसे एक जहाज़ उड़ान भरता है और आप देखते हैं कि एकदम से आसमान में ओझल हो जाता है, इस तरह की इसकी फ्लाइट है, इसकी ट्रेजेक्टरी है, अपवर्ड मूवमेंट है। 300 है, 350 है, फिर 450 है, इस तरह का इसका शेयर बढ़ता चला गया। आज जब बाज़ार बंद हुआ है तो जो शेयर 300 के आसपास था, 350 के आसपास था, वो आज 488 तकरीबन 500 रुपये के आसपास। और ये ऐसा भाव है जो याद दिलाता है हमको साल की शुरुआत की, ये जब साल शुरू हुआ था तो भी ये 500 के ऊपर था शेयर, और आज लगता है ये वहीं जा रहा है। क्या ये शेयर वहीं जा रहा है जहां पहले खड़ा था साल की शुरुआत में, और मुबारकबाद देगा आपको नए साल पे? ये जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से तो उससे भी आगे जा रहा है। बाप रे बाप। ये मॉर्गन स्टैनली जो कि बहुत बड़ी अमेरिकन हाउस है, उनका एस्टिमेट है 574 रुपये का, मॉर्गन स्टैनली का, जी, इंद्रप्रस्थ गैस का जी। उसका कारण ये, कितना भाव बता रहे हैं आप? 574। अरे बाप रे बाप, 574, तो लगभग 100 रुपये इसमें हैं। जी हाँ। तो इसका कारण ये है कि जो एयर क्वालिटी कमीशन बना है, जी हाँ, उसने ये बोला है कि सारी इंडस्ट्री जो दिल्ली में है जी, उनको पाइप गैस ही लेना है। हाँ जी हाँ, सही कह रहे थे आप, 31 जनवरी तक। जी हाँ जी हाँ, ये आ गया है ऑर्डर। अब उसमें ये होगा कि 1644 इंडस्ट्रीज हैं और 50 इंडस्ट्रियल एरिया हैं दिल्ली में, आप जी दिल्ली के ज़्यादा एरिया रहता है जी जी, 1644 इंडस्ट्रीज, मतलब अपनी जो उनकी जो फर्नेस है वो गैस से चलेगी, मतलब 1600 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को अब गैस लेना है। तो गैस कहाँ से आएगा जी? तो गैस तो इन्हीं का आएगा। तो ये बताया जा रहा है तो 50 से ज़्यादा, बहुत बढ़िया बात पंडित जी ने बताई है, और मैं पंडित जी की बात को सहजता से बताना चाहूँगा कि इंद्रप्रस्थ गैस के बढ़ने का कारण क्या है। इंद्रप्रस्थ गैस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने, भारत सरकार ने फैसला लिया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है कि क्या करना चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए। तो एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि दिल्ली में 50 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, और हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, 1500 से ज़्यादा, उन सबको अब कोयला वोयला सब खत्म करना पड़ेगा, नो धुआं, नथिंग, ओनली गैस। तो उनको गैस का कनेक्शन लेना है, और गैस जो है वो सप्लायर है इंद्रप्रस्थ। तो जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर का भाव बढ़ेगा, और शेयर का भाव बढ़ेगा तो आज अगर आप खरीदेंगे तो कल आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, और हम उस मुस्कान को देखना चाहते हैं। तो इंद्रप्रस्थ गैस हम चाहते हैं लाफिंग गैस बन जाए आपके लिए। क्या कहेंगे आप कि गैस का ये जो शेयर है इस वक्त, जो सरकार ने फैसला लिया है, वो इशारा करता है कि आज अगर इस शेयर को खरीदें तो नासमझी नहीं होगी? देखिए, मॉर्गन स्टैनली का एस्टिमेट यही बताता है कि इनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का वॉल्यूम है, रेजिडेंशियल में तो जाहिर है इनका, इंडस्ट्रियल में भी 7% हर साल बढ़ने की उम्मीद है जी जी। 1600 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इनका गैस लेंगी तो इनका जो इंडस्ट्रियल वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, तो इनका अर्निंग्स और रेवेन्यूज में जी जी काफ़ी इनको बढ़ोतरी होगी। अब हम बात कर रहे हैं लॉरस लैब की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लॉरस लैब की, ये तस्वीरें हमने आपको पहली बार नहीं दिखाई, ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, और हम मजबूर हैं क्योंकि ये शेयर बड़ा गजब का है साहब, और जब शेयर गजब का होता है तो फिर बार बार हमें उसको दिखाना होता है, दोहराना होता है, आपको बताना होता है, आपको कहना होता है भाई इसको पहचान लो।
तो लॉरस लैब को आज हम फिर इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं क्योंकि एक मल्टी बैगर जो है ये शेयर बन चुका है और लोगों की किस्मत इसने बदल दी है, कुछ लखपति हो गए, कुछ करोड़पति हो गए इससे। एक बार भाव देख लीजिए इसका, जुलाई में इसका भाव 158 के आसपास था, फिर ये बढ़ के जो है एक छक्का मारा इसके मैनेजमेंट ने और कोविड काल में ये 329 पर पहुंच गया और फिर आज 344 यानी ऑलमोस्ट 350 टच कर रहा है। लॉरस लैब की पंडित जी ऐसी क्या खासियत रही है कि ना चाहते हुए भी इस पर खबर हमें दिखानी पड़ रही है, इसका जिक्र करना पड़ रहा है बार बार? ये देखिए आउट परफॉर्म रिलायंस से ज़्यादा हम लॉरस लैब का जिक्र कर रहे हैं। देखिए वो इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक मल्टी बैगर वाली थीम में चल रहा है। अभी जो आज जो टारगेट हम बता रहे हैं शेर खान बाई BNP का, वो टारगेट आ रहा है 410 रुपये का जी, 410 रुपये। तो यहाँ से भी इसमें अपसाइड है और इसका ये कि एक तो इन्होंने भी एक एक्विजिशन किया है, तो ये बायोटेक के एरियाज में जा रहे हैं तो वो देखिए स्टॉक कैसे बढ़ता है, कंपनी कैसे बढ़ती है कि वो एक के बाद एक नया ट्रिगर आता जाता है। इंफोसिस क्यों बढ़ता है, जैसे कल उन्होंने डेमलर बेंच का एक डील क्लोज किया, आज फिर दोबारा बाई कॉल है इंफोसिस के ऊपर, विप्रो निकल एक डील क्लोज, नए ठेके मिल रहे हैं और वो भी मर्सिडीज बेंज के, हाँ तो वो ट्रिगर तो वैसे बनेगा ना जी, तो इसीलिए बनता है। तो अभी इन्होंने नया एक एक्विजिशन किया है बायोटेक का, तो वो ट्रिगर बन गया है, इनका फॉर्मुलेशन का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो एक उसमें चल रहा है। तो लेटेस्ट टारगेट आया है 410 रुपये का, 410 रुपये का टारगेट है। और जैसा उन्होंने कहा कि लॉरस लैब एक ऐसा हरफन मौला शेयर है, ऑलराउंडर शेयर है जो बहुत स्थिरता के साथ कंसिस्टेंट मतलब मुनाफा देना ही देना है, जैसे मालिकों ने तय कर लिया हो कि भैया बिना हम मुनाफा लिए आपको जाने नहीं देंगे, एक ऐसी ज़िद पकड़ ली हो मेहमानवाजी की। तो लॉरस लैब जो है ये एक बड़ा उमदा शेयर इस वक्त इसलिए है क्योंकि एक्विजिशंस कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की फर्म का उसने एक्विजिशन किया है। तो जब भी कोई कंपनी, कोई नई कंपनी खरीदती है, कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है, कोई नया परिवर्तन आता है जो अच्छा होता है, तो शेयर का भाव बढ़ना लाजमी है। और जब शेयर का भाव बढ़ेगा तो फिर समझ लीजिए कि बटुए का भी आपका भाव बढ़ेगा और आप भी खुश होंगे और लक्ष्मी जो है वो खटखटा के किसी वक्त भी जो है वो आपके घर पहुंचेंगे। जी हाँ दीपक जी, मैं समय कम है बस जल्दी बोल दीजिए, दो मिनट में मैं क्लोज करूँगा। कल जो हम स्टडी डिस्कस कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल का, उसमें दो बातें मैं रिकाउंट करना चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि 1300 कंपनीज जो उन्होंने स्टडी करी 25 साल में, उसमें से सिर्फ 100 कंपनीज ने मार्केट कैप क्रिएट किया। जी हाँ, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो स्टडी में आई कि जो स्टॉक का दाम होता है वो कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस उसका गुलाम होता है। जी अर्निंग्स अच्छी होगी, कंपनी अच्छी होगी तो स्टॉक चलेगा ही चलेगा आगे पीछे। तो स्टडी में भी ये बात ये आई कि आप वैल्यूएशन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यू हैव टू गेट द कंपनी राइट। तो वो जो स्टॉक का दाम है वो आगे पीछे किसी का जल्दी होता है, किसी का लैग के साथ होता है, पर वो इट विल प्ले कैच अप। जी जी वो हो ही जाएगा। तो पंडित जी का कहना है कि हर कंपनी मुनाफा नहीं देती, जैसे हर बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं बनते, तो रन तो कुछ ही टीम में लोग बनाते हैं और इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपको उन कंपनियों से परिचय कराएं, उनसे आपका हम तारुफ़ कराएं, रूबरू कराएं, जो कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छा है, जो कंपनियां प्रॉफिट दे रही हैं, जिनके नए वेंचर्स आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल वेंचर्स आ रहे हैं, जो एक्विजिशन कर रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, जो सोच रही हैं आगे बढ़ने के लिए, महत्वाकांक्षी हैं और लक्ष्य जो है उनको वो अचीव कर रही हैं, ऐसी कंपनियों को हम ढूंढते हैं हज़ारों बही खातों के बीच में से। तो आज मुझे लगता है कि आपने जो भी हमने शेयर बताए उन पर आपने गौर किया होगा और कलम कागज़ आपने निकाल के उनको नोट किया होगा या अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जब भी उन कंपनियों के शेयर आपको लगे कि ये नीचे आ रहे हैं तो ज़रूर खरीदिएगा और धोखा नहीं होगा। तो फिलहाल आज इतना ही कहना है और जिनको ज़रा सा भी कोई आशंका हो, असमंजस की स्थिति हो, उनको कुछ पूछना है, उनको लगता है कि नहीं हमारे मन में कोई दुविधा है और हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा जो नीचे शेयर बाज़ार का जो हमारा ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आप नोट करें, हिंदी हो अंग्रेज़ी हो, चाइनीज़ में मत लिख दीजिएगा, हिंदी अंग्रेज़ी का प्रयोग करिएगा, जैसी भी है
हमारी कोशिश होगी आपके सवाल का हम जवाब ज़रूर देंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे शेयर बाज़ार में, तब तक के लिए नमस्कार।